hardest yet most effective bench press program ever created. So welcome back to my YouTube channel. I hope aap sab theek hoge, safe hoge apne ghar mein. So this is the first video I am making on program reviews. So इस सीरीज में मैं सभी प्रोग्राम्स के ऊपर रिव्यू देने वाला हूँ. अगर आपके पास कोई सजेशंस होगा जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं उस प्रोग्राम के ऊपर एक रिव्यू दूँ, तो प्लीज उस प्रोग्राम का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा. सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द रशियन बेंच प्रेस प्रोग्राम स्मोलोव जूनियर, विच इज फियर्ड अमॉन्ग द नेशंस. सो इट इज बेसिकली लाइक मदारा हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ हिज टाइम. और इस प्रोग्राम को यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं और आएंगे ही. बट इस प्रोग्राम के बहुत सारे प्रोज और बहुत सारे कॉन्स है. इसका एक बैकग्राउंड भी मैं आपको दे देता हूँ कि ये प्रोग्राम रशिया में क्रिएट हुआ था. एक रशियन लिफ्टर ने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था सिर्फ ओलंपिक लिफ्टर्स के लिए, लेकिन लेटर ऑन इट वॉज यूज फॉर पावर लिफ्टिंग पर्पजेस ऑल्सो. सो ये प्रोग्राम आप स्क्वाट के लिए भी यूज कर सकते हो और बेंच प्रेस के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रेफरेबली मैं आपको बताऊंगा कि आप ये प्रोग्राम सिर्फ बेंच प्रेस के लिए यूज कीजिए, क्योंकि स्क्वाट आई डोंट थिंक कि आप इसको एंड तक कंप्लीट भी कर पाओगे, क्योंकि फाड़ देगा ये प्रोग्राम पूरी. ये प्रोग्राम एक बहुत बड़े मैक्रो साइकिल का एक छोटा सा ब्लॉक है, जिसे हम मिसो साइकिल भी कहते हैं. सो स्टार्टिंग विद द बेस लाइन ऑफ द प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम कैसे करते हैं, आपको मैं स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा और मैं वर्बली भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आप समझ पाओ अच्छी तरीके से. सो स्टार्टिंग विद आपको इस प्रोग्राम में सिर्फ बेंच प्रेस करना है, क्योंकि आप सिर्फ बेंच प्रेस करके ही आपके CNS को इतना फटिक कर दोगे. आई नो कि बेंच प्रेस करने से आपका CNS इतना फटिक नहीं होता, बट दिस प्रोग्राम हैज मच हायर फ्रीक्वेंसी देन यू यूजुअली डू. तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हमें जान होगी तो आप एक स्क्वाट का और एक डेडलिफ्ट का वर्कआउट कर सकते हो एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, या फिर आप सिर्फ एक्सेसरीज के ऊपर ध्यान दे सकते हो. जैसे स्क्वाट के अलावा आपके लेग हाइपरट्रॉफी के लिए लेग एक्सटेंशन या फिर लेग प्रेस कर सकते हो. उसके बाद डेडलिफ्ट के अलावा आप बैक एक्सटेंशन या फिर पुलअप्स जैसे लो फटिकिंग एक्सरसाइज इस प्रोग्राम के टाइम यूज कर सकते हो. मंडे, आप मंडे को 6x6 करोगे एट 70%, 6 sets of 6 reps. उसके बाद आप एक दिन गैप लोगे, रेस्ट डे लोगे. उसके बाद आप वेनसडे को फिर से बेंच प्रेस करोगे at 7x5, which is 7 sets of 5 repetitions at 75%. इधर आप देख सकते हो कि 5% से आपने आपकी परसेंटेज या फिर इंटेंसिटी बढ़ा दी है और रेप्स थोड़े कम कर दिए हैं. उसके बाद आप वर्कआउट करोगे सीधा फ्राइडे को 8x4, मतलब 8 set 4 repetitions के at 80%, फिर से 5% का इंक्रीमेंट आपने फ्राइडे को किया है. उसके बाद आप सीधा संडे को वर्कआउट करोगे, दैट विल बी 10x3, मतलब 10 set 3 repetitions के एट 80%. ओके, सो आपको फिर से डायरेक्टली विदाउट एनी रेस्ट आपको मंडे को वर्कआउट नहीं करना है, आपको मंडे फिर से रेस्ट लेना है और फिर से यही प्रोग्राम अल्टरनेट डेज का आपको ट्यूजडे से चालू करना है. नेक्स्ट वीक आपका लास्ट वर्कआउट रहेगा मंडे को और आपका नेक्स्ट वीक चालू होगा वेनसडे से. सो फर्स्ट वीक होने के बाद आपको सेकेंड वीक में 2.5 kg से आपका वेट इंक्रीज करना है. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंडे को 6x6 कर रहे हो एट 70%, आपको 70% में 2.5 kg वेट ऐड करना है. आपको परसेंटेज नहीं बढ़ाना, आपको परसेंटेज वही रखना है, उसमें सिर्फ 2.5 kg बढ़ाना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा 70% है 80 kg, तो मैं 70% अज्यूम करूंगा विच इज 80 kg, और उसमें 2.5 kg ऐड करूंगा. और नेक्स्ट वीक में मैं 82.5 kg के 6x6, मतलब 6 sets and 2 6 reps लगाऊंगा. सो थर्ड वीक होने के बाद आपको सीधा मैक्स आउट करना है टू चेक हाउ मच योर 1 rep max हैज इंक्रीज्ड. आप ये प्रोग्राम सीधे ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर सकते हो. सो दैट्स इट विद द प्रोग्राम. तो अभी इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे कि ये प्रोग्राम कौन यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है. सो स्टार्टिंग विद, ये प्रोग्राम कौन यूज कर सकता है? तो ये प्रोग्राम एक लेट बिगिनर, जिसको उसके 1 rep max percentage पता होगे, या फिर जिसे उसके फॉर्म के ऊपर पूरा भरोसा है, या फिर एक अर्ली इंटरमीडिएट या फिर लेट इंटरमीडिएट भी इस प्रोग्राम को यूज कर सकता है. और एडवांस को तो ये प्रोग्राम यूज करने की जरूरत भी नहीं है, और मैं प्रेफर भी नहीं करूंगा कि आप ये प्रोग्राम यूज कीजिए. और ये प्रोग्राम आप साल में सिर्फ 1 से 2 बार ही यूज कर सकते हो. ये एक शॉक साइकिल है, ये आपको कंटिन्यूसली यूज नहीं करनी. अगर आपकी रिकवरी भी अच्छी है तो भी आपको ये प्रोग्राम साल में सिर्फ 1 से 2 बार यूज करना है व्हेन यू आर गेटिंग प्लेट्यूड. इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है? फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी स्पेसिफिसिटी.
जैसे आप देख रहे हो कि अगर आपको एक लिफ्ट में प्रोग्रेस करना है तो आपको सिर्फ उसी लिफ्ट के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोग्राम उस चीज़ को बहुत एम्फोसिस देता है। आप 3 वीक्स के लिए सिर्फ बेंच प्रेस के ऊपर पूरा ध्यान दोगे, इसमें कोई भी एक्सेसरी मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप इतना चेस्ट वर्क, डायरेक्ट चेस्ट वर्क कर रहे हो कि आपको ट्राइसेप या फिर शोल्डर प्रेस या फिर ऐसे कोई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जाना है और सिर्फ बेंच प्रेस करना है और सीधा घर पर आ जाना है। सेकेंड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम इज ये प्रोग्राम आपके वन रेप मैक्स को एटलीस्ट 20 kg से भी बढ़ा सकता है। ऐसे रूमर्स है कि लोगों ने इससे भी ज़्यादा इस प्रोग्राम से उनके वन रेप मैक्स बढ़ाए हैं। जितना बढ़ेगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, बट एक मिनिमम 15-20 kg से आपका बेंच प्रेस इस प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद बढ़ सकता है। मेरे हिसाब से इसके सिर्फ यही 2 बेसिक बहुत बड़े एडवांटेजेस है, पर इस प्रोग्राम के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। सो फर्स्ट विल बी, आप ये प्रोग्राम जैसे ही चालू करोगे सेकेंड वीक तक आते आते आपके सभी जॉइंट्स, एल्बो, शोल्डर, बैक, चेस्ट सब हर्ट करने लगेंगे। सेकेंड थिंग, आपको ये प्रोग्राम एक कैलोरी डिफिसिट में नहीं करना है, आपको ये प्रोग्राम एक कैलोरी सरप्लस में, जिधर आप बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो रहे हो उस पीरियड में आपको ये प्रोग्राम यूज़ करना है। उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि आप इतने बेंच के ऊपर एम्फोसिस दे रहे हो कि आपका स्क्वाट या फिर डेडलिफ्ट भी कम हो सकता है। यस, आपका बेंच प्रेस बढ़ेगा बट आपका स्क्वाट और डेडलिफ्ट भी घटेगा। फोर्थ डिसएडवांटेज इज, जिन्होंने भी ये प्रोग्राम यूज किया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो है, बट उसके साथ बहुत इंजुरीज भी मिली है। सो ये प्रोग्राम बहुत इंजुरी प्रोन है, आपको शोल्डर की या फिर ब्रिस्ट की या फिर एल्बो की कुछ भी इंजुरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो फिफ्थ डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम विल बी, ये एक परसेंटेज बेस्ड प्रोग्राम है, तो अगर आपके पास आपका वन रेप मैक्स नहीं है तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये एस्टिमेटेड मैक्स लेके ये प्रोग्राम में सीधा चालू मत करो, क्योंकि इससे कुछ हेल्प नहीं होने वाला। एक सॉलिड अगर आपके पास वन रेप मैक्स होगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। सिक्स्थ डिसएडवांटेज विल बी, इसमें कोई भी ऑटो रेगुलेशन नहीं है। एज आई सेड कि ये परसेंटेज बेस्ड प्रोग्राम है, सो डजंट मैटर आपके लाइफ में कितना फिजिकल या फिर मेंटल स्ट्रेस है। अगर उस वीक में लिखा है कि आपको 6x6 एट 70% करना है तो आपको करना ही है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप सीधा, आपको ये डिसएडवांटेज होने वाला है। सो इसमें 0 ऑटो रेगुलेशन है। मैं प्रेफर करता हूँ सभी प्रोग्राम्स में ऑटो रेगुलेशन रखना, क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ लफड़े होते ही रहते हैं, तो हमें उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है टू ग्रो। सो अभी बात करेंगे इस प्रोग्राम के प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो फर्स्ट प्रिंसिपल जो विजिबल है वो है अंजुलेटिंग पीरियडाइजेशन। इस प्रोग्राम में हर डे में आपका वॉल्यूम इंटेंसिटी अंजुलेट हो रहा है, नेक्स्ट वीक में भी अंजुलेट होता है, थर्ड वीक में भी अंजुलेट होता है। उसके बाद लीनियर पीरियडाइजेशन, मतलब इसके रेप्स और सेट्स सॉलिड है, वो चेंज नहीं होते। 6x6 आपको फर्स्ट वीक में भी करना है, सेकेंड वीक में भी करना है और थर्ड वीक में भी करना है। इसके सिर्फ इंटेंसिटीज चेंज होते रहते हैं। सो पर्सनली आई फील इस प्रोग्राम में एक शॉक प्रिंसिपल भी यूज़ किया है, क्योंकि उन लोगों ने भी बताया है कि ये प्रोग्राम आप साल में सिर्फ 1-2 बार ही यूज़ करिए, क्योंकि आपका नॉर्मल जो वॉल्यूम रहता है उससे ऑलमोस्ट 2-3 times ज़्यादा इसमें वॉल्यूम है, जो कि एक आपके बॉडी को बहुत बड़ा शॉक दे देता है टू अडेप्ट टू इट। तो उस चक्कर में आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बट इट इज़ नॉट सजेस्टेबल टू डू दिस प्रोग्राम मोर देन ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर। अगर आपने ये कर लिया तो आपका बेंच प्रेस तो बढ़ेगा बट आपको बहुत बड़े इंजुरीज भी होने के चांसेस है। एंड आई फील एथलीट विथ अ लेसर टोटल इज मच मोर पावरफुल देन अ एथलीट विथ हायर टोटल विथ लॉट्स ऑफ इंजुरीज, क्योंकि इंजुरीज तो आपके लाइफ टाइम तक रहने वाली है, और एक एथलीट जितना हेल्दी हो सकता है उतना अच्छा है एक लॉन्ग रन के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम रिव्यूज़। सदा स्ट्रांग रहो।